नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ा खिलाड़ी हुआ है ट्रेड, उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। लेकिन आप चेन्नई सुपर किंग्स को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय दिग्गज खिलाड़ी रॉबिन उथप्पा इंडियन प्रीमियर लीग के इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स में नहीं खेलते दिखेंगे। उन्हें महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स से कैश डील में ट्रेड किया है। उथप्पा अब सीएसके की ओर से खेलते हुए दिखेंगे। राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। पिछले सीजन में रॉबिन उथप्पा को राजस्थान रॉयल्स ने 3 करोड़ रुपये में खरीदा था। उथप्पा इससे पहले मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, पुणे वॉरियर्स, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल चुके हैं। इस बारे में उथप्पा ने अपने बयान में कहा कि मैंने वास्तव में राजस्थान रॉयल्स में खेलने का लुत्फ उठाया था। इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनना अच्छा समय था। मैं अब इंडियन प्रीमियर लीग के 2021 सत्र में सीएसके से जुड़ गया हूँ। उथप्पा ने आईपीएल कैरियर में 189 मैच खेले हैं, 129.99 की स्ट्राइक रेट से 4607 रन बनाए हैं। इसमें 24 अर्धशतक शामिल है। इस दौरान 2014 में ऑरेंज कैप भी अपने नाम की थी। उस सत्र में उनके नाम 660 रन थे। उस वक्त वह केकेआर टीम का हिस्सा थे। हालांकि पिछले 2 सत्र में उनका प्रदर्शन बहुत प्रभावी नहीं रहा है। उन्होंने 2019 में 115.1 की स्ट्राइक रेट से केवल 282 रन बनाए थे और नाइट राइडर्स ने उनको टीम से रिलीज कर दिया था। इसके बाद 2020 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए उन्होंने 12 मैचों में महज 196 रन बनाए थे। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी क्रिकेट जगत की खबरें लेकर आता रहता हूँ।